रक्षा उपकरण के बारे में देखते हैं दोस्तों। उपकरण किस देश में विकसित हुई और क्या है ये? ठीक है, तो हेलिना, हेलिना कहाँ विकसित हुई? भारत में विकसित हुई। ये टैंक रोधी मिसाइल है एक, ठीक है। चिनूक, अमेरिकी कंपनी बोइंग ने इसको विकसित किया। ये क्या है? एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। ब्राक 8, DRDO इसराइल ने मिलकर किया इसे, ठीक है। DRDO व इसराइल ने मिलकर इसे विकसित किया। ये क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल। एक ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। INS बेला किसने विकसित किया? फ्रांस ने। ये क्या है? स्कॉर्पिन श्रेणी की एक पनडुब्बी है, ठीक है। राफेल किसने विकसित किया? फ्रांस ने। दसाल्ट एविएशन कंपनी ने किया, यानी फ्रांस की दसाल्ट एविएशन कंपनी ने। ये क्या है? लड़ाकू एक विमान है, ठीक है। S-400, S-400 को रूस ने विकसित किया, यानी रूस ने बनाया, ठीक है। ये क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, पिनाक ये भारत भारत ने बनाया, ये पहला एक स्वदेशी है, ठीक है। पिनाक क्या है? ये एक रॉकेट है, ठीक है। क्या है? रॉकेट है जो भारत ने बनाया गया, पिनाक, ठीक है। INS कलवरी, INS कलवरी स्वदेश में ही भारत ने बनाया गया। ये क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी की एक पनडुब्बी है, ठीक है। INS कलवरी स्वदेश निर्मित है। ये क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी की एक पनडुब्बी है, ठीक है। अपाचे, अपाचे क्या है? ये अपाचे अमेरिका में बनाया गया, ठीक है। ये क्या है? लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। क्या है? लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ठीक है दोस्तों। आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों एवं संगठनों के प्रमुख के बारे में, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख के बारे में देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है इस समय? तो ये एंटोनियो गुतरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है एंटोनियो गुतरेस, पुर्तगाल के हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO का उप महासचिव कौन है? UNO का उप महासचिव कौन है? तो यह है अमीना जे मोहम्मद, यानी अमीना जे मोहम्मद, यह है नाइजीरिया की, ठीक है। अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया के हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अध्यक्ष 77वें और 78वें संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी 77वें और 78वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कौन है? यानी 77वें का है साबा कोरोसी, यानी 77वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष है साबा कोरोसी, हंगरी के हैं। और 78वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं डेनिस फ्रांसिस, यानी त्रिनाद और टोबैगो के, ठीक है। डेनिस फ्रांसिस त्रिनाद और टोबैगो के, ये 78वें के हैं डेनिस फ्रांसिस, और 77वें के हैं साबा कोरोसी, हंगरी के, ठीक है। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक, यानी IBRD के, विश्व बैंक के अध्यक्ष 14वें वित्त सॉरी विश्व बैंक के अध्यक्ष, विश्व बैंक का अध्यक्ष 14वां कौन है? तो यह अजय बंगा, भारतीय अमेरिकी हैं, ठीक है। हैं तो भारत के मूल, लेकिन रहते हैं कहाँ हैं? अमेरिका में, भारतीय अमेरिकी हैं, ठीक है। 14वें नंबर के, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का अध्यक्ष कौन है? गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का अध्यक्ष कौन है? इलहाम अलीयेव, इलहाम अलीयेव, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रबंध निदेशक कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा बुल्गारिया की हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा बुल्गारिया की, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक कौन है? तो नगोजी अंकोजा इवेला। WTO का महानिदेशक कौन है? तो नगोजी अंकोजा इवेला, ठीक है। कौन है WTO का महानिदेशक? नगोजी अंकोजो इवेला, ठीक है। अंकटाड का महासचिव कौन है? रेबेका ग्रीन स्पेन, ये कहाँ के हैं? रेबेका ग्रीन स्पेन कोस्टा रिका के हैं, ठीक है।
अंकटाड के महासचिव कौन है? रेवेका ग्रीन स्पेन कोस्टारिका के। यूनेस्को का महानिदेशक कौन है? तो आंद्रे अजोले फ्रांस के हैं, आंद्रे अजोले फ्रांस के हैं, ठीक है। यूनेस्को का महानिदेशक कौन है? तो आंद्रे अजोले फ्रांस के हैं, ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO का महानिदेशक कौन है? तो ये क्यू डोंगू, क्यू डोंगू ये जो चीन के हैं, ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का महानिदेशक क्यू डोंगू चीन के हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का महानिदेशक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक कौन है? तो ये गिलबर्ट होंगवे टोंगो, टोगो के हैं, गिलबर्ट होंगवे होंगबो टोगो के हैं। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक कौन है? यानी ILO का महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट होंगबो टोगो, ठीक है। यूनिसेफ का प्रमुख कौन है? यूनिसेफ का प्रमुख कौन है? तो यह है कैथरीन रसेल अमेरिका के। यूनिसेफ का प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल अमेरिका के। यूनिसेफ का प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल अमेरिका के। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस अधानोम। विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का प्रशासक कौन है? यानी UNDP का प्रशासक कौन है? तो यह अचीम स्टेनर ब्राज़ील और जर्मनी के हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP का प्रशासक कौन है? अचीम स्टेनर ब्राज़ील और जर्मनी के, ठीक है। दक्षेस का महासचिव कौन है? ईसाला रुवन वीराकुन श्रीलंका का, श्रीलंका के, ठीक है। दक्षेस का महासचिव कौन है? ईसाला रुवन वीराकुन श्रीलंका के, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन के बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रमंडल का महासचिव कौन है? यानी कॉमनवेल्थ का महासचिव कौन है? तो पेट्रिसिया स्कॉटलैंड यानी डोमिनिका की हैं ये, ठीक है। पेट्रिसिया स्कॉटलैंड डोमिनिका के हैं, ठीक है। यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय संघ EU की संसद का अध्यक्ष कौन है? रोबर्टा मेटसोला माल्टा के हैं, ठीक है। यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष कौन है? रोबर्टा मेटसोला माल्टा के, ठीक है। अफ्रीकी संघ यानी AU का अध्यक्ष कौन है? फेलिक्स एंटोनियो टी सेड की कांगो के हैं, ठीक है। तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, ओपेक का महासचिव कौन है? हैथम अल घिस कुवैत के हैं, ठीक है। तेल निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक, ओपेक का महासचिव कौन है? हैथम अल घिस कुवैत के हैं, ठीक है। नाटो का महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे के हैं, ठीक है। नाटो का महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग महासचिव के हैं, ठीक है दोस्तों। आसियान का महासचिव कौन है? तो यह लीम जाक होई ब्रुनेई के हैं, कहाँ के हैं? ब्रुनेई के, लीम जाक होई ब्रुनेई के हैं, आसियान के महासचिव हैं, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन है? अविनाश कुमार। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन है? अविनाश कुमार। एशियाई विकास बैंक यानी ADB के अध्यक्ष कौन है? एशियाई विकास बैंक यानी ADB के अध्यक्ष कौन है? तो मात्सुकु अस्कावा जापान के हैं। एशियाई विकास बैंक ADB का अध्यक्ष कौन है? तो मात्सुगु अस्कावा जापान के हैं, ठीक है। इंटरपोल के महासचिव कौन है? इंटरपोल के महासचिव कौन है? तो यह जर्गेन स्टॉक जर्मनी के। इंटरपोल के महासचिव कौन है? जर्गेन स्टॉक जर्मनी के, ठीक है। इंटरपोल का महासचिव कौन है? जर्गेन स्टॉक जर्मनी के। इंटरपोल का अध्यक्ष कौन है? इंटरपोल का अध्यक्ष कौन है? तो यह अहमद नासर अल रईसी UAE के। इंटरपोल का अध्यक्ष कौन है? अहमद नासर अल रईसी UAE के, ठीक है। इंटरपोल का अध्यक्ष कौन है? अहमद नासर अल रईसी UAE के, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय
न्यायालय आईसीजे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय प्रेसिडेंट कौन है, तो यह नवाफ सलाम, लेबनान के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का प्रेसिडेंट कौन है, नवाफ सलाम लेबनान के हैं, ठीक है। अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा, अंतरिक्ष एजेंसी नासा का प्रशासक कौन है, तो यह सॉरी, अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा का प्रशासक कौन है, बिल नेल्सन, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का अध्यक्ष कौन है, डिल्मा रूसेफ, ब्राज़ील के। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का अध्यक्ष कौन है, डिल्मा रूसेफ, ब्राज़ील के हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के अध्यक्ष कौन है, तो UNHCR, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी का उच्चायुक्त कौन है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का अध्यक्ष कौन है, UNHCR का, तो यह है फिलिपो ग्रांडी, जो कि इटली के हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के अध्यक्ष फिलिपो ग्रांडी हैं, जो कि इटली के हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, UNHRC, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UNHRC का प्रमुख कौन है, बोलकर तुर्क, ऑस्ट्रेलिया के। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UNHRC बोलकर तुर्क जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का महानिदेशक कौन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का महानिदेशक कौन है, तो यह राफेल ग्रासी अर्जेंटीना के हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का महानिदेशक कौन है, राफेल ग्रासी अर्जेंटीना के हैं, ठीक है। एमडी और सीओ, एमडी एंड सीओ वित्त, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी आईएफसी का एमडी और सीओ कौन है, तो ये स्टेफनी वान फ्रीडबर्ग। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम एंड आईएफसी का एमडी और सीओ कौन है, स्टेफनी वान फ्रीडबर्ग। भीमस्टेक का महासचिव कौन है, इंद्रमणि पांडे, भारत के हैं, ठीक है। भीमस्टेक का महासचिव कौन है, इंद्रमणि पांडे भारत के हैं, ठीक है। भीमस्टेक का महासचिव इंद्रमणि पांडे जी हैं, भारत के हैं जो कि, ठीक है। अब चर्चित राष्ट्रीय महिलाओं के बारे में देखते हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादा चर्चा में थी उनके बारे में देखते हैं। तो प्रीति रजक, ठीक है, प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार, प्रीति रजक जो कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हैं, ठीक है। रीतु बाहरी उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, रीतु बाहरी जो कि उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। नीना सिंह सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक, अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक, कौन है, अक्षता कृष्णमूर्ति, ठीक है बात, ठीक है दोस्तों। भारत की भारत की पहली महिला एडीसी, मनीषा पाढ़ी भारत की पहली महिला एडीसी, कै फातिमा वासीम सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, कै नीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, ठीक है। कै नीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, ठीक है। परमीला मलिक ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, परमीला मलिक ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी, दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी, ठीक है। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर, गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर,
गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर। लांस नायक मंजू, लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर, ठीक है, जो कि लांस नायक मंजू हैं। डॉक्टर अलका मित्तल, डॉक्टर अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। डॉक्टर अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की, पहली महिला अध्यक्ष कौन है भारतीय ओलंपिक संघ की, तो यह है पीटी उषा। कौन है? पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की, ठीक है, ठीक है दोस्तों। मेघना अहलावत, यह है मेघना अहलावत, तो यह है पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ की, मेघना अहलावत हैं पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ की, ठीक है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज, ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज, ठीक है साथियों। ज्योति शर्मा कौन है? भारतीय सेना की पहली महिला जज हैं। आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट, आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला पायलट, ठीक है, हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला पायलट, ठीक है। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट, शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील, सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील, ठीक है दोस्तों। चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के बारे में देखते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के बारे में जो चर्चा में रही उनके बारे में देखते हैं। सेलेस्टे सैलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव, सेलेस्टो सैलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव। मैनुएल रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री। डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। रियाना बरनाबी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, रियाना बरनाबी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, रियाना बरनाबी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। सना रामचंद्र गुलवानी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर, सना रामचंद्र गुलवानी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। नताशा पिर्क मूसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति, नताशा पिर्क मूसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। गीता गोपीनाथ आईएमएफ की पहली उप प्रबंध निदेशक। मैगडेलना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। नगोजी अंकोजो इवेला डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक, नगोजी अंकोजो डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक हैं, ठीक है। लॉरेन हबर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर,
लारेन हवर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर। लारेन हवर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर। प्रियंका राधा कृष्णन, प्रियंका राधा कृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री। प्रियंका राधा कृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री। मनीषा रोपेटा, मनीषा रोपेटा, मनीषा रोपेटा पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान। पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान, पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान। नौरा अल मत रूसी, नौरा अल मत रूसी, नौरा अल मत रूसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। नौरा अल मत रूसी, नौरा अल मत रूसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। समिया सुलू हसन, समिया सुलू हसन कौन है, ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। समिया सुलू हसन कौन है, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, समिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। विभिन्न देशों के भारत के लिए, विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत और उच्चायुक्त के बारे में। ठीक है, देश राजधानी राजदूत और उच्चायुक्त। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है। ठीक है, इसके उच्चायुक्त या राजदूत कौन है, तो यश कुमारन है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान का तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है एस्गाबाद, एस्गाबाद इसके राजदूत हैं मधुमिता हजारिका। अंगोला, अंगोला की राजधानी है लुआंडा, लुआंडा राजदूत हैं विधु, विधु पी नायर। ठीक है, चेक गणराज्य की राजधानी है प्रागवे, इसके उच्चायुक्त कौन है, रवीश कुमार। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, इसके उच्चायुक्त कौन है, तो ये हैं मनीष प्रभात। कौन है, मनीष प्रभात। ठीक है, प्रदीप राज पुरोहित, प्रदीप राज पुरोहित इसकी राजधानी है हेलन सिंकी, हेलन सिंकी। ठीक है, ये इधर गलत लिखा। ठीक है, ग्रेनेडा और डोमिनिका की राजधानी हेलन सिंकी है, और इसके वो क्या नाम है, उच्चायुक्त कौन है, प्रदीप राज पुरोहित, ये मिस प्रिंट है। ठीक है, फिनलैंड की राजधानी हेलन सिंकी। ठीक है, ये दोनों मिस प्रिंट है। ठीक है, ये होगा डोमिनिका की राजधानी ग्रेनेडा, और इसके उच्चायुक्त होंगे प्रदीप राज पुरोहित। ठीक है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, और इसके उच्चायुक्त हैं हेमंत एच कोटलवार। ठीक है दोस्तों, उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद, और इसके उच्चायुक्त हैं स्मिता पंत। ठीक है, बुरुंडी, बुरुंडी की राजधानी है गीतेगा और बुंजुबुरा, बुंजुबुरा इसके उच्चायुक्त हैं उपेंद्र सिंह रावत। ठीक है, गिनी बिसाऊ, गिनी बिसाऊ की राजधानी है बिसाऊ, इसके उच्चायुक्त हैं दिनकर अस्थाना। मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो, इसके उच्चायुक्त हैं रॉबर्ट सेंट किंगटांग। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, इसके उच्चायुक्त हैं सौरभ कुमार। ठीक है, एंटीगुआ, एंटीगुआ की राजधानी है सेंट जॉन्स, इसके उच्चायुक्त हैं डॉक्टर अमित कुमार तेलंग, डॉक्टर अमित, अमित एस तेलंग, सॉरी डॉक्टर अमित एस तेलंग। ठीक है, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, और इसके उच्चायुक्त अनिल कुमार राय। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। ठीक है, इसके उच्चायुक्त हैं राजेश उइके। इटली की राजधानी रोम, इसके उच्चायुक्त हैं वानी सराजू राव, वानी सराजू राव। लेथेसो साम्राज्य, लेसेथो साम्राज्य की राजधानी है मसेरू। ठीक है, इसके उच्चायुक्त हैं प्रभात कुमार। कोस्टा रिका की राजधानी है सैन जोस, इसके उच्चायुक्त हैं सुमित सेठ। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, इसके उच्चायुक्त हैं अतुल मलहारी गोतुसबे, गोतुर्सबे, गोतुर्सबे। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धन कोट्टे, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन कोट्टे, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। इसके अध्यक्ष, इसके सॉरी अध्यक्ष, इसके मतलब उच्चायुक्त हैं संतोष झा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, कैनबरा इसके ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त हैं गोपाल बांगले। कांगो की राजधानी है किसानसा, कांगो की राजधानी है किसानसा, इसके
इसके उच्चायुक्त हैं मदन लाल रेगर। गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, ठीक है। इसके उच्चायुक्त हैं डॉक्टर अमित एस तेलंग। जमैका की राजधानी किंगस्टन, जमैका की राजधानी किंगस्टन है। इसके उच्चायुक्त हैं मयंक जोशी। लिंक स्टेटिन रियासत की राजधानी वादजू वदूज वादुज। इसके उच्चायुक्त हैं मृदुल कुमार, ठीक है दोस्तों। त्रिनाद व टबैको की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। इसके उच्चायुक्त हैं प्रदीप सिंह राजपुरोहित। बोलबिया की राजधानी है लापेज, ठीक है। इसके उच्चायुक्त हैं विश्वास विधु सापकाल। निकारागुआ की राजधानी है मनागुआ, ठीक है। इसके उच्चायुक्त हैं सुमित सेठ। बुर्किना फासो की राजधानी है ओगाडोगू। इसके उच्चायुक्त हैं भास्कर भट्ट। सीरिया की राजधानी है दमिश्क, सीरिया की राजधानी दमिश्क। इसके उच्चायुक्त हैं डॉक्टर रिशाद अहमद। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। इसके उच्चायुक्त हैं प्रभात कुमार। साओ टाम व प्रिंसिपे इसकी राजधानी है साओ टाम। इसके उच्चायुक्त हैं दीपक मिगलानी। घाना की राजधानी है अक्रा। इसके उच्चायुक्त हैं मनीष गुप्ता, ठीक है दोस्तों। लिथुआनिया की राजधानी है बीनियस, ठीक है। इसके उच्चायुक्त हैं देवेश उत्तम, ठीक है। इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी है मलाबो। इसके उच्चायुक्त हैं प्रशांत कुमार दास, ठीक है दोस्तों। वेनेजुएला की राजधानी है काराकस, वेनेजुएला की राजधानी काराकस। इसके उच्चायुक्त हैं पी के अशोक बाबू, ठीक है। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। इसके उच्चायुक्त हैं श्री मनीष, ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। इसके उच्चायुक्त हैं टीवी नगेंद्र प्रसाद। लेबनान की राजधानी है बेरुत बेरुत। लेबनान की राजधानी है बेरुत। इसके इसके मतलब इसके उच्चायुक्त हैं मोहम्मद नूर रहमान, ठीक है दोस्तों। इसके उच्चायुक्त हैं मोहम्मद नूर रहमान। पनामा की राजधानी पनामा सिटी। और इसके उच्चायुक्त हैं सुमित सेठ, ठीक है दोस्तों। अब विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ के बारे में देखते हैं। विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ के बारे में देखते हैं, ठीक है। इधर हो गया कंपनी, इधर हो गया सीईओ। एप्पल का सीईओ कौन है? तो यह है टीम कुक। एप्पल का सीईओ टीम कुक। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? सत्या नडेला, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का सीईओ कौन है? अदार पूनावाला, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का सीईओ कौन है? अदार पूनावाला। टाटा सन्स टाटा ट्रस्ट यानी टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट कहाँ है? टाटा सन्स का है नटराजन चंद्रशेखरन और टाटा ट्रस्ट का है सिद्धार्थ शर्मा के सीईओ हैं, ठीक है। मास्टर कार्ड का सीईओ कौन है? माइकल माइबैक। मास्टर कार्ड का सीईओ कौन है? मास्टर कार्ड का सीईओ कौन है? माइकल माइबैक। पेप्सिको इंडिया का सीईओ कौन है? जागृत कोटेचा। संसद टीवी का सीईओ कौन है? रंजीत पुनहानी। टीसीएस का सीईओ कौन है? के कृतिवासन। इंफोसिस का सीईओ कौन है? तो सलील पारेख हैं, ठीक है। अल्फाबेट गूगल सुंदर पिचाई, ठीक है। सुंदर पिचाई इसके सीईओ हैं। अमेजन का सीईओ कौन है? तो एंडी जैसी। फ्लिपकार्ट का सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट का सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति। फेसबुक का सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर नया नाम एक्स। ट्विटर का नया नाम है क्या है? एक्स। लिंडा इसके सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो। ट्विटर का नया नाम क्या है? एक्स। इसके सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो, ठीक है। इंस्टाग्राम का सीईओ कौन है? तो यह है केविन सिस्ट्रोम। व्हाट्सएप का सीईओ कौन है? तो बिल कैथकॉर्ट। इंस्टाग्राम का सीईओ कौन है? केविन सिस्ट्रोम। व्हाट्सएप का है बिल कैथकॉर्ट, ठीक है। मेटा इंडिया का सीईओ कौन है? संध्या देवानाथन। मेटा मेटा इंडिया का सीईओ कौन है?
संध्या देवानाथन, यूट्यूब, यूट्यूब का सीईओ कौन है? नील मोहन, नील मोहन। ओपन एआई, ओपन एआई का सीईओ कौन है? सैम आल्टमैन। ओपन एआई का सीईओ कौन है? सैम आल्टमैन। स्पेस एक्स का सीईओ कौन है? एलन मस्क। स्पेस एक्स का सीईओ कौन है? स्पेस एक्स का सीईओ कौन है? एलन मस्क। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के बारे में देखते हैं। मुख्य अतिथि कौन था? इमैनुअल मैक्रान, फ्रांस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी कहाँ की थी? तो पहला स्थान था ओडिशा का। ठीक है, विषय क्या था? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। पहला स्थान किसका था झांकियों में? तो इसका था ओडिशा का। ठीक है, विषय क्या था? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। ठीक है, मंत्रालय विभाग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी, मंत्रालय या विभाग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी थी? तो संस्कृत मंत्रालय की थी। विषय क्या था? भारत, लोकतंत्र की जननी। ठीक है, लोकतंत्र की जननी। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से लेके 2023 तक। ठीक है, एबाकल अवार्ड बाई द रिपब्लिक ऑफ प्लाऊ 2023, प्लाऊ गणराज ने दिया। ठीक है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 किसने दिया? फिजी ने। ठीक है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, लोगोहू 2023 किसने दिया? पापुआ न्यू गिनी ने। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 किसने दिया? कहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है? यह है मिस्र का। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? मिस्र का। ठीक है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 ये दिया ग्रीस ने। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर 2021 यानी 2021, वर्ड ऑफ द ईयर 2022, वर्ड ऑफ द ईयर 2023। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बैग शब्द दिया गया 2021 में। ठीक है, 2022 में गैबलिन मोड, 2023 में रिज। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में है वैक्सीन, 2021 में, 2022 में गैसलीन थिंग, गैस लाइटिंग। ठीक है, 2023 में अथेंटिक। ठीक है, कैम्ब्रिज में दिया गया है NFT 2021 में, होमर 2022 में, हेलू हेलू हेलुसिनेट हेलुसिनेट दिया गया है 2023 में। कोलिंस कोलिंस डिक्शनरी में है प्रवेंजेंस, प्री सेवरेन सेवर पर पर से पर सेवरेंस पर सेवरेंस। ठीक है, 2022 में है पर मैक मैक्रीज पर मैक्रीज। ठीक है, 2023 में AI। डिक्शनरी डॉट कॉम में है एलाइसिप 2021 में, ओमेन है 2022 में, हेलुसिनेट है 2023 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसरो का वर्ष 2022 से 2024 के प्रमुख मिशन, इसरो का वर्ष 2022 से 2024 के प्रमुख मिशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, मिशन और उपग्रह प्रक्षेपण तिथि कब हुई? प्रक्षेपण यान या रॉकेट कौन था? ठीक है, इनसैट 3DS ये 17 फरवरी 2024 को गया, GSLV F14 के नाम से। ठीक है, सपोसैट मिशन 1 जनवरी 2024 को, PSLV C58 के नाम से। ठीक है, इसका नाम है रॉकेट का या प्रक्षेपण यान का PSLV C58। गगनयान का पहला प्रशिक्षण उड़ान 21 अक्टूबर 2023 TVD-1 के नाम से। ठीक है, आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 के नाम से गया। ठीक है, डी एस आर मिशन 30 जुलाई 2023 को PSLV C56
नाम से अंतरिक्ष यान गया, ठीक है। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को गया, LBM 3 M4 के नाम से गया, ठीक है। NVS 1 29 मई 2023 को गया, JSLV F12 के नाम से। टेली ओ एस टू 22 अप्रैल 2023 को गया, PSLV C55 के नाम से। वन वेव इंडिया टू 22 मार्च 2023 को गया, LMB 3 M3 के नाम से। वन वेव इंडिया 2 26 मार्च 2023 को गया, LMB M3 के नाम से, ठीक है। ई ओ एस सेवन 10 फरवरी 2023 को गया, SSLV D2 के नाम से। ई ओ एस सिक्स 26 जनवरी 2022 को गया, PSLV C54 के नाम से। PSLV C54 के नाम से। वन वेव इंडिया वन 23 अक्टूबर 2022 को गया, LBM 3 M2 के नाम से, ठीक है दोस्तों। इसरो इसरो का आगामी मिशन, ठीक है। अब जो आगामी मिशन है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। गगन 1 या 2 2024 में जाएगा भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा, ठीक है। शुक्रयान 1 2024 में जाएगा, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। कब जाएगा? 2024 में, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 2024 मंगल ग्रह है तो भारत का दूसरा इंटर प्लेनेटरी मिशन। मंगलयान 2 2024 मंगल ग्रह है तो भारत का दूसरा इंटर प्लेनेटरी मिशन के लिए। निसार 2024 में जाएगा, पृथ्वी की निगरानी है तो नासा इसरो का संयुक्त मिशन। निसार 2024 पृथ्वी की निगरानी है तो नासा इसरो का संयुक्त मिशन के लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता के बारे में देखते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है, ठीक है। इसकी निगरानी है सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इसकी निगरानी है सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 50 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है, ठीक है दोस्तों। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के बारे में देखते हैं, जारी करता भारतीय वन्यजीव संस्थान 29 जुलाई 2023 को, ठीक है। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 3682। कितनी है? याद रखना, 3682। इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या 3167 बताई गई थी। कितनी बताई गई थी? 3167 बताई गई थी। विश्व का 75% बाघ केवल भारत सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। विश्व का 75% बाघ केवल भारत यानी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है, ठीक है। 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई। 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई। जिम कार्बेट रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ 260 बाघ 260। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31, बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 तथा 2022 में 54 हो गई है, ठीक है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 तथा वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है। भारत में 2023 और 24 में आए तूफान एवं चक्रवात, नाम प्रभावित क्षेत्र और नामकरण किसने दिया, ठीक है। ग्रेवियल ऑकलैंड न्यूजीलैंड में आया, ठीक है।
नाम किसने ने दिया पता नहीं, फ्रेडी मोजम्बिक मेडागास्कर, नामकरण किसने किया यमन ने, मोजा आया म्यांमार बांग्लादेश को प्रभावित किया, नाम किसने दिया यमन ने, इल्सा आया ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर, नाम किसने दिया पता नहीं कुछ, ठीक है। बिपरजॉय महाराष्ट्र और गुजरात राजस्थान में आया, नाम किसने दिया बांग्लादेश ने, सोला दक्षिणी चीन, सोला दक्षिण चीन, नाम किसने दिया वियतनाम ने, तेज आया दक्षिण पश्चिम अरब सागर में, नाम किसने दिया भारत, हामुन बांग्लादेश पश्चिमी बंगाल में आया, नाम किसने दिया ईरान ने, मिथिली बांग्लादेश तट किस, नाम किसने दिया मालदीप ने, जैस्पर उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आया, नाम दिया किसी ने नहीं, डेनियल लीबिया ने, नाम डेनियल आया लीबिया में, ठीक है लीबिया क्षेत्र प्रभावित है, माइकॉन्ग आया आंध्र प्रदेश में, नाम किसने दिया म्यांमार ने, अलबरो आया मेडागास्कर तट पर, नाम किसने दिया मोजाम्बिक ने, ठीक है। विश्व एवं भारत के शीर्ष तीन सुपर कंप्यूटर, विश्व एवं भारत के शीर्ष तीन सुपर कंप्यूटर, विश्व के शीर्ष तीन सुपर कंप्यूटर, पहला है फ्रंटियर अमेरिका का, दूसरा है फुगाकू जापान का, तीसरा है लुमी फिनलैंड का, पहला है फ्रंटियर अमेरिका का, दूसरा है फुगाकू, दूसरा है फुगाकू जापान का, तीसरा है लुमी फिनलैंड का, ठीक है। भारत के शीर्ष तीन सुपर कंप्यूटर, पहला है एरावत सीडैक पुणे का, दूसरा है परम सिद्ध सीडैक पुणे का, तीसरा है प्रत्यूष आईआईटी पुणे का, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में, पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेश यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021-17 में जारी किया, ठीक है। पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेश यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021-17 में जारी किया। अब परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, यानी 24.62%, 24.62%, 62%, ठीक है। देश में कुल वनावरण कितना है, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, यानी 21.71%, ठीक है। देश में कुल वृक्षावरण कितना है, 95,748 वर्ग किलोमीटर, यानी 2.91%, ठीक है। देश में कुल वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर, यानी 2.91%, ठीक है। कुल वृद्धि वन और वृक्षावरण में 2,261 वर्ग किलोमीटर हुई, कुल वृद्धि कितनी हुई, बाई वन और वृक्षावरण में 2,261 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वनावरण में वृद्धि कितनी हुई, 1,540 वर्ग किलोमीटर, वनावरण में वृद्धि कितनी हुई, 1,540 वर्ग किलोमीटर, 2019 की तुलना में 0.22%, ठीक है। वृक्षावरण में वृद्धि 721 किलोमीटर, 2019 की तुलना में 0.76%। देश में कुल मैंग्रोव वन 4,992 वर्ग किलोमीटर, वृद्धि कितनी हुई, 17 किलोमीटर स्क्वायर से, ठीक है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य पश्चिम बंगाल 42.33%, गुजरात 23.54%, अंडमान निकोबार 12.34%। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश 77,493 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश 66,688 किलोमीटर स्क्वायर, छत्तीसगढ़ 55,717 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य हरियाणा 1,603 किलोमीटर स्क्वायर, पंजाब 1,847 किलोमीटर स्क्वायर, गोवा 2,244 किलोमीटर स्क्वायर। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश 647 किलोमीटर स्क्वायर, तेलंगाना 632 किलोमीटर स्क्वायर, उड़ीसा 537 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 7.933%, मेघालय 76%। देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन लगभग के, प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व, फसल
या खाद्यान्न। विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम चावल, चीन में पहले नंबर पर है और भारत में पश्चिम बंगाल सबसे नंबर वन पर है। गेहूं या आलू, चीन पहले नंबर पर है और भारत में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। ठीक है, मक्का अमेरिका पहले नंबर पर है और कर्नाटक भारत में पहले नंबर पर। ठीक है दोस्तों, दाल और दलहन या दालें, भारत पहले नंबर पर है, ठीक है, पूरे विश्व में, और मध्य प्रदेश भारत के अंदर पहले नंबर पर है। ठीक है, मूंगफली चीन पहले नंबर पर है और भारत में गुजरात पहले नंबर पर है। ठीक है, गन्ना ब्राज़ील विश्व में पहले नंबर पर है और उत्तर प्रदेश भारत में पहले नंबर पर है। ठीक है, जूट भारत पहले नंबर पर है पूरे विश्व में और भारत में पश्चिम बंगाल सबसे नंबर वन पर है जूट उत्पादन में। ठीक है, तंबाकू, तंबाकू पूरे विश्व में चाइना में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, होती उगाई जाती है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। प्राकृतिक रबर थाईलैंड, थाईलैंड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, प्राकृतिक रबर, ठीक है, पूरे विश्व में, और भारत के अंदर केरल, केरल में होता है। ठीक है, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है और भारत के अंदर कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, सूरजमुखी यूक्रेन में सबसे ज़्यादा होता है पूरे विश्व में। ठीक है, और कर्नाटक, भारत में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सूरजमुखी खेती की जाती है। ठीक है, ज्वार अमेरिका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, भारत के अंदर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कपास पूरे विश्व में चीन में होता सबसे ज़्यादा, भारत के अंदर गुजरात में सबसे ज़्यादा। प्याज चीन के अंदर सबसे ज़्यादा होता है और पूरे भारत में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है प्याज। ठीक है, चाय चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चाय का। ठीक है, भारत के अंदर असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। ठीक है, सोयाबीन, सोयाबीन का उत्पादन अमेरिका में सबसे ज़्यादा, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, भारत के अंदर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, दूध का उत्पादन भारत में नंबर वन पर है पूरे विश्व में। ठीक है, और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश सब पूरे भारत में सबसे नंबर वन पर है। ठीक है, दूध उत्पादन में चीनी पहले नंबर पर भारत है पूरे विश्व में। ठीक है, पूरे विश्व में उत्पादन में भारत पहले नंबर वन पर है। ठीक है, और भारत के अंदर महाराष्ट्र सबसे नंबर वन पर है चीनी के मामले में। ठीक है, मसाला भारत पूरे विश्व में सबसे नंबर वन पर है। ठीक है, और भारत के अंदर केरला और आंध्र प्रदेश में मसाला सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, कुल तिलहन सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में, सबसे ज़्यादा भारत में, और तिलहन के अंदर देखा जाए तो भारत के अंदर देखा जाए तो राजस्थान में तिलहन की फसल सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व के बारे में देखते हैं। ठीक है, प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व के बारे में, खनिज विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम। कोयला पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चीन में होता है, भारत के अंदर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा होता है। हीरा पूरे विश्व में रूस में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, भारत में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है हीरा। ठीक है, तांबा देखा जाए तो चिली में होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, चिली देश में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चिली में होता है, भारत में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है तांबा। ठीक है, लौह अयस्क ये देखा जाए तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, पूरे विश्व में, और भारत के अंदर देखा जाए तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चांदी देखा जाए एक हिसाब से तो मैक्सिको में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है उत्पादन होता है, और भारत के अंदर देखा जाए तो ये राजस्थान। कच्चा तेल अमेरिका में सबसे ज़्यादा उत्पादन है इसका और भारत के अंदर देखा जाए तो राजस्थान में है। ठीक है, प्राकृतिक गैस रूस में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, रूस में सबसे ज़्यादा उत्पादन है प्राकृतिक गैस का, भारत के अंदर असम में है। बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है, और भारत के अंदर देखा जाए तो उड़ीसा में होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, मैगनीज ये दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, भारत के अंदर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सोना चीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, भारत के अंदर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, अभ्रक के बारे में देखते हैं, चीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और आंध्र प्रदेश में सबसे कम पाया जाता, सॉरी आंध्र प्रदेश में, भारत के अंदर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यूरेनियम
कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और आंध्र प्रदेश में भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, टंगस्टन चीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और आंध्र प्रदेश में भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, कैडमियम चीन के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है पूरे विश्व में, भारत के अंदर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। निकेल इंडोनेशिया पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और भारत के अंदर देखा जाए तो उड़ीसा में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका प्रथम स्थान पर है पूरे विश्व में, और भारत में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। ठीक है, टीन पहले स्थान पर है चाइना। ठीक है, और छत्तीसगढ़ भारत में सबसे पहले स्थान पर है। ठीक है, सीसा सीसा पहले स्थान पर चाइना है, और इंडिया के अंदर देखा जाए तो भारत और राजस्थान सब पहले और नंबर पर है। प्लेटिनम प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका में सबसे नंबर वन पर है, और उड़ीसा उड़ीसा भारत में पहले नंबर पर है। ठीक है दोस्तों, स्थलों शहरों अभियानों के परिवर्तित नाम। ठीक है, पुराना नाम इधर है और परिवर्तित नाम ये है। ठीक है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, इसका नाम हो गया निरंजन साज स्टेडियम। ठीक है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम हो गया निरंजन साज स्टेडियम। पेटीएम ई कॉमर्स का नाम हो गया पे प्लेटफार्म। ठीक है, पेटीएम ई कॉमर्स का नाम हो गया पे प्लेटफार्म। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम हो गया अयोध्या धाम। ठीक है, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम हो गया। पंजोखरा गांव का नाम, पंजोखरा गांव ये हरियाणा में है, इसका नाम हो गया पंजोखरा साहिब। ठीक है, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का नाम हो गया चंद्रनगर। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नाम हो गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, पुरानी संसद भवन का नाम हो गया संविधान सदन। क्या हो गया, पुरानी संसद भवन का नाम, पुरानी संसद भवन का नाम संविधान सदन हो गया। ठीक है, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अस्मिता महिला लीग नाम हो गया। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अस्मिता महिला लीग हो गया। बांद्रा बरसोवा सी लिंक का नाम वीर सावरकर सेतु हो गया, वीर सावरकर सेतु। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम हो गया अटल सेतु। ठीक है, उधमपुर रेलवे स्टेशन J&K शहीद कैप्टन कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। अल मिनहाद शहर संयुक्त अरब अमीरात का नाम कर दिया गया हिंद शहर। ठीक है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम कर दिया गया प्रधानमंत्री संग्रहालय। मोटे अनाज सुपर मिलेट सुपर फूड का नाम कर दिया गया श्री अन्न। ठीक है, अफगानिस्तान देश का नाम कर दिया गया इस्लामिक एमीरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अहमदनगर जिला का नाम कर दिया गया अहल्याबाई होलकर नगर। शिवमोगा हवाई अड्डा का नाम प्रस्तावित है कुबेम्पू हवाई अड्डा प्रस्तावित है अभी। ठीक है, औरंगाबाद शहर का नाम चेंज कर दिया गया छत्रपति संभाजी नगर। औरंगाबाद शहर का नाम कर दिया छत्रपति संभाजी नगर। उस्मानाबाद शहर का नाम कर दिया गया महाराष्ट्र सॉरी उस्मानाबाद शहर का नाम कर दिया गया जो कि महाराष्ट्र में है धाराशिव। ठीक है, रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम कर दिया गया रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। रायबरेली हॉकी स्टेडियम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ नाम कर दिया गया। ठीक है, चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है अभी कर किया नहीं हुआ। ठीक है, चर्च गेट रेलवे स्टेशन सीडी देशमुख रेलवे प्रस्तावित है रेलवे स्टेशन। ठीक है, हॉकी स्टेडियम राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कर दिया गया। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कर दिया गया। हैरिस पार्क सिडनी ऑस्ट्रेलिया का नाम लिटिल इंडिया कर दिया गया। हैरिस पार्क सिडनी इंडिया का नाम लिटिल इंडिया कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इस्लाम नगर गांव मध्य प्रदेश का नाम जगदीशपुर कर दिया गया। इस्लाम नगर गांव मध्य प्रदेश का नाम जगदीशपुर कर दिया गया। मुगल गार्डन दिल्ली का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया दोस्तों।
होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में है, इसका नाम हो गया डोनी पोलो एयरपोर्ट। होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में है, इसका नाम है नाम कर दिया गया डोनी पोलो एयरपोर्ट। ठीक है। चिपी हवाई अड्डा महाराष्ट्र, चिपी हवाई अड्डा का नाम बरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा, बरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा कर दिया गया। दौलताबाद किला महाराष्ट्र, दौलताबाद किला महाराष्ट्र का नाम कर दिया देवगिरी, देवगिरी किला। किवीथू सैन्य शिविर अरुणाचल प्रदेश का नाम कर दिया गया जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। किवीथू सैन्य शिविर अरुणाचल प्रदेश का नाम कर दिया जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। राजपथ दिल्ली का नाम कर दिया गया कर्तव्य पथ, राजपथ दिल्ली का नाम कर दिया गया कर्तव्य पथ। चंडीगढ़ हवाई अड्डा, चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड, लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड कर दिया गया। लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम चेंज करके सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड कर दिया गया। पॉइंट 5140 त्रास सेक्टर का नाम गनहिल कर दिया गया। राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान का नाम गतिशक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान का नाम गतिशक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया। केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात का नाम चेंज करते एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया, केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात का नाम चेंज करके एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। बिहार मखाना का नाम मिथिला मखाना कर दिया गया, बिहार मखाना का नाम मिथिला मखाना कर दिया गया। झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर का नाम चेंज करके टांटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया, पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर का नाम चेंज करके टांटिया मामा रेलवे स्टेशन नाम कर दिया गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का नाम चेंज करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। लोकसभा राज्यसभा टीवी का नाम करके संसद टीवी कर दिया गया। मिड डे मील योजना का नाम पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चेनानी नासिरी सुरंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया। ठीक है।